अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सऊदी अरब में अपना काम दिखाता हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ। मेरा काम है शायद कि मक्के का, ये इसलिए मैंने ये जाली पहनी हुई है जैकेट। ये है शायद कि मक्के, वो देखें कैसे गुस्सा हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ करीब से, इसको करीब से, ये अभी करीब चलते हैं इसके। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें, अभी इसी संदूक को मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी मैं धुआं दे रहा हूँ शायद की मक्खी को, ये बनाया अभी। अभी ये जितनी भी संदूकें आपको नज़र आ रही हैं सभी में को ऐसे ही थोड़ा बहुत धुआं दूंगा ताकि शायद की मक्खी को पता चले भाई हाँ कोई आ रहा है जो हमें देखने आया है। ये देखें सब संदूकों के, ये जो है मुँह है उनके, यहाँ से वो आ जा सकते हैं। ये हर वक्त खुले रहते हैं, ये नहीं बंद करते। इसको अभी खुला रखूंगा नहीं तो ये इसकी जो आग है वो खत्म हो जाएगी। इस तरह इसको हवा थोड़ी बहुत लगती रहेगी तो ये खत्म नहीं होगी। तो मैं आपको ये संदूक खोल के दिखाता हूँ कि क्या है इसमें और क्या चीज है और किस तरह रखते हैं हम इसको। ये मोबाइल मैंने साइड पे रख दिया है, अभी दिखाता हूँ। ये देखें अब संदूक वाजे नजर आ रही है। ये जो है ना, ये गुमाश इसे बोलते हैं अरबी में। ये इसलिए रखते हैं ताकि शहद की मक्खी को सर्दी ना लगे। ये उसका खाना है, अभी सर्दियां हैं तो उसकी वजह से ये खाना हमने संदूक के अंदर रखा हुआ है। इसको अरबी जुबान में अजीना बोलते हैं, अजीना। और ये जो अभी, हाँ ये देखें, इसे बोलते हैं अरबी जुबान में बिरवास। ये देख सकते हैं, ये है बिरवास। अब मैं ये देख रहा हूँ कि क्या शायद कि ये मक्खियाँ जो है ना ठीक हैं। ये देखें अभी कितनी है, ये अभी एक बिरवास देख लिया है, ये ठीक है, इसमें बच्चे भी हैं सब कुछ है। ये दूसरा बिरवास मैंने उठाया देखा, ये देखें, ये सभी संदूक में तकरीबन किसी में 5, किसी में 6, किसी में ज़्यादा से ज़्यादा जो बिरवाज एक संदूक में आते हैं उनकी तादाद है 8। कम से कम आप 1-2 जितने रखें वो तादाद पे मुनहसर होता है शायद की मक्खी की कितनी तादाद है। जितनी ज़्यादा तादाद होगी उतने बिरवाज ज़्यादा रखेंगे। अब एक और ये देखें, मैं देख रहा हूँ इस पर माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा है, इस पे जो है ना बच्चे जबरदस्त हैं। ये देखिए ये देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से, ये जो शायद की मक्खी की मलिका है, मतलब ये बहुत ही अच्छी है। शायद का रस भी बना रही है और बच्चे भी पैदा कर रही है, अंडे भी दे रही है, नए नए बच्चे भी आएंगे, शायद की मक्खी का रस भी आएगा। हमें ऐसी ही जो इनकी मालिका होती है वही चाहिए होती है, ये बहुत ही अच्छी होती है। कुछ मालिका होती हैं सिर्फ बच्चे देती हैं, कुछ सिर्फ रस बनाती हैं, वो अच्छी नहीं होती। अच्छी वाली मालिका वही होती है जो रस भी बनाए और बच्चे भी दे। ये आखिरी बिरवास, ये बहुत ही अच्छी है, अभी ये ठीक हो गया। तो अब मैं इसको जो है ना बंद कर दूंगा। अब इसी तरह सभी संदूकों का मैं देखूंगा रोज, कभी आज 8 देखी, 10, 12, कल फिर 8, 10, ये खाना फिर उसको अंदर रख दिया, फिर से उसका जो कपड़ा है ये घुमाश, ये फिर से अंदर रख दिया। अब इसके ऊपर ढकना दे देगा ताकि सर्दी ना लगे उसको। और इसके लिए मैं आपको पहले भी बताया है कि इसके दो दरवाजे हैं वो खुले रहते हैं, वो देखें ये हैं दरवाजे खुले रहते हैं। जी तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।